मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 17 मार्च को बजट पर रिप्लाई करना है और ऐसे में एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि राजस्थान में नए जिले बनाए जाए। हमने सबसे पहले बजट के दिन बताया था कि किसी नए जिले की घोषणा नहीं हो रही और अब हम आपको बता रहे हैं कि मुमकिन है कि एक दो नए जिले बनाए जा सकते हैं, उनकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि अब जिलों की मांग खुद कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं और गहलोत को लगता है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गुट बदल ले, क्योंकि महेंद्र चौधरी से लेकर राजेंद्र यादव, मदन प्रजापत से लेकर कई विधायक हैं जो अभी गहलोत खेमे में हैं, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं हुई तो पाला बदल भी सकता है। ऐसे ही एक नेता है रघु शर्मा, जिनकी सचिन के हनुमान कहे जाने वाले राजेंद्र पारिक से मुलाकात हुई और अब रघु शर्मा ने जिला बनाने की मांग उठा दी है। रघु शर्मा ने कहा मुख्यमंत्री को जिले बनाने चाहिए। गुजरात, मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा जिले हैं। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिले बनाने चाहिए। रघु शर्मा को 2018-2020 तक गहलोत का विश्वास पात्र माना जाता था, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट के बाद माना जाता है कि गहलोत और रघु शर्मा में खाई बढ़ गई और इसका खामियाजा रघु शर्मा को भुगतना पड़ा और उन्हें गुजरात प्रभारी बना दिया गया और प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब रघु शर्मा गुजरात प्रभारी भी नहीं है और ना ही राजस्थान में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और रघु शर्मा को लग रहा है कि अगला चुनाव जीतना है तो फिर सचिन को समर्थन जरूर देना होगा, क्योंकि रघु शर्मा की केकड़ी विधानसभा में गुर्जर वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में वक्त की नजाकत को समझते हुए रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री पर ही हमला करना शुरू कर दिया है। द पिकी टाइम्स की आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।